अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो यहाँ जी मैंने ये पिंक टी का साशे ट्राई करने का सोचा है। ये जो नेस्ले की पिंक टी आई हुई है ना मार्केट में, इसकी बहुत धूम मची हुई है। इंस्टेंट टी मिक्स है, तो मैंने कहा हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये जी मैं मार्केट से बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाई थी, क्योंकि किसी भी स्टोर से मिल ही नहीं रही थी। ये है पिंक टी का साशे। इसके लिए हमें एक कप पानी चाहिए, और साथ में मैंने ये कुछ बादाम जो है वो बारीक बारीक कट किए हैं, और एक इलायची भी मैं इसमें डालूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। जी फ्लेम मैंने ऑन कर ली है, पैन को रख दिया है चूल्हे पे। अब हम इसमें ये पानी ऐड करेंगे, उसको उबाली दिलवा लेंगे, और साथ में ये इलायची है इसका भी मुंह खोल के आप इसमें डाल दीजिएगा। जी आप देख सकते हैं पानी को उबाली आ चुकी है। अभी हम फ्लेम बंद कर देते हैं, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कैंची से हम इसको कट कर लेंगे। ये हम खोल के इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब इसमें डालेंगे बॉयल हुआ पानी। अब कलर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइट वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार सी इंस्टेंट पिंक टी है। अब इसको ना स्पून से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थिकनेस आप देख सकते हैं, और इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी शुगर है। चीनी बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि इसमें है। और अभी ये आप इसकी ना ये गाढ़ा देख लें कितना ज़बरदस्त है। बिल्कुल ना अभी इतनी मेहनत करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ आप ऊपर बादाम क्रश किए हुए वो डाल दीजिएगा, और फिर मज़े से पिएगा। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसी है। ये ना इलायची बीच में से मैं निकाल लेती हूँ, ये घूमे जा रही है। बिल्कुल ऐसे जैसे ना पिंक टी का टेस्ट होता है ना, वैसे ही ये कश्मीरी चाय बनके तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और इतनी मेहनत करने की तो अब ज़रूरत रही नहीं है, क्योंकि एवरीडे वालों ने आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है। तो अभी आप यही बना के पिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये कश्मीरी चाय कैसे बनी। मज़ा आ गया।